नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी डर से माफी मांगने को मजबूर हुए पीएम मोदी की, सीएम ममता की पीएम मोदी को पत्र की, देखेंगे चिराग पासवान की बढ़ती मुश्किलों को, अजीत पवार की चेतावनी को, जानेंगे चंपई की बढ़ती परेशानी को, और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी में निषाद पार्टी ने बढ़ाई योगी की चिंता की। लेकिन दिनभर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा को मिला गोल्ड, 10 मीटर एयर राइफल में मिला पदक, वहीं शूटर मोना अग्रवाल को मिला कांस्य। शरद पवार ने जेड प्लस सुरक्षा लेने से किया इनकार, कहा पहले सुरक्षा की जरूरत की करेंगे जांच, केंद्र ने हाल ही में शरद पवार को दी थी सुरक्षा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बीजेपी और जेडीएस पर हमला, कहा दोनों मिलकर करना चाहते हैं कांग्रेस सरकार को अस्थिर। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 231 अंकों की बढ़त के साथ 82,365 पर बंद हुआ बाजार, वहीं 83 अंकों की बढ़त के साथ 25,235 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर पूरे महाराष्ट्र में बवाल है। जगह जगह महाराष्ट्र सरकार और पीएम मोदी का विरोध हो रहा है। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है, यानी ये मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए और खासकर बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे बीजेपी ने भांप लिया और पीएम मोदी को सरेआम माफी मांगनी पड़ी। तो माफी मांगते हुए क्या बोले पीएम मोदी, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगी है। शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा कि सिर झुकाकर शिवाजी से माफी मांगता हूं। बता दें कि इससे पहले सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी इस मामले में माफी मांग चुके हैं, और अब पीएम मोदी ने दबाव में आकर माफी मांगी। शिवाजी की प्रतिमा टूटने से बीजेपी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। राज्य में बीजेपी का भारी विरोध देखने को मिला, यहाँ तक कि पीएम मोदी माफी मांगो के पोस्टर्स लगाए गए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र के दौरे से पहले ही जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। उनके पहुंचने से पहले ही मुंबई और पालघर में प्रधानमंत्री का विरोध देखा गया। मुंबई में इस घटना को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए जिस पर लिखा गया मोदी माफी मांगो। वहीं कुछ पोस्टर पर मराठी में लिखा गया तुम्हारी सरकार महाराष्ट्र द्रोही है। पालघर में भी पीएम मोदी के आगमन से पहले प्रदर्शन किया गया। इस विरोध की वजह यहाँ पर बनने वाला बंदरगाह है। पीएम मोदी को पालघर जिले के दहानू में वधावन में बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास करना था, लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले स्थानीय मछुआरों ने इस परियोजना का अपने नाव पर काले गुब्बारे बांधकर विरोध जताया। अब विपक्ष कह रहा है कि मोदी की माफी से भी जनता उन्हें माफ नहीं करने वाली है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मणिपुर पर माफी की मांग दोहरा दी। वैसे मांग तो ममता बनर्जी ने भी दोहरा दी मोदी को पत्र लिखकर। महिला सुरक्षा पर कानून बनाने की बात एक बार फिर ममता बनर्जी ने उठा दी, तो क्या बोली ममता, देखिए रिपोर्ट में। एक तरफ जहां कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए शोषण के खिलाफ बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं केस को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी है। इसमें ममता ने लिखा, मैंने 22 अगस्त को आरोपी को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर से अनुरोध करती हूं कि इस तरह के जघन्य अपराधों पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए। इस कानून में तय वक्त में केस खत्म होने का प्रावधान भी होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस मामले पर आपकी तरफ से गौर किया जाएगा। दरअसल ममता ने 22 अगस्त को पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा था कि देश में रोज महिलाओं के साथ शोषण हो रहे हैं, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। इसके जवाब में 26 अगस्त को महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता को चिट्ठी लिखी थी। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के सेमिनार हॉल से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुराचार और जान जाने का मामला सामने आया था, और इस मामले को लेकर कोलकाता ही नहीं देश भर में लोगों का गुस्सा है। इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया जा चुका है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे घेरने की कोशिश तो चिराग पासवान को भी हो रही है, और ये बीजेपी की तरफ से हो रही है। दरअसल चिराग पासवान के खिलाफ एक पुराना मामला उठाकर बीजेपी नेता कोर्ट पहुंच गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या है नेता की मांग, देखिए रिपोर्ट।
चिराग पासवान के चलते एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि चिराग पासवान पर महिला उत्पीड़न जैसे संगीन केस की जानकारी छिपाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसे लेकर उनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। साथ ही चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और इसमें हैरानी की बात यह है कि शिकायत विपक्ष के नेता की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के नेता की तरफ से की है। तीनों ही जगह पर अपील कर हाजीपुर से उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म किए जाने की मांग की गई है। ये मांग बीजेपी नेता राकेश सिंह ने की है। इनका दूसरा आरोप है कि खगड़िया के शहर बन्नी में मृतक संपत्ति की भी सही जानकारी चिराग पासवान ने अपने हलफनामे में नहीं दी है। सही तथ्यों को उन्होंने छिपाया है। उनके अपील पर डायरी हो गई है और टोकन नंबर भी मिल गया है। इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग हाजीपुर डीएम और रिटर्निंग ऑफिसर को रेस्पोंडेंट बनाया है। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राकेश सिंह लंबे वक्त से भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष के जो दावे हैं कि बीजेपी एलजीपीआर के सांसदों को तोड़कर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्या ये सच है? क्योंकि जब जब चिराग पासवान आग दिखाते हैं तो बीजेपी भी चिराग को कमजोर करना शुरू कर देती है। हालांकि इस पूरे मामले पर एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता राजू तिवारी ने कहा कि इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है, इस तरह की बातों पर जवाब देना वे कतई उचित नहीं समझते हैं। अब जानकार दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए की हां में हां नहीं मिला रहे, इसलिए उन्हें घेरने की कोशिश हो रही है, यानी एनडीए में फूट पड़ सकती है। वैसे फूट तो महाराष्ट्र एनडीए में भी पड़ती दिखाई दे रही है। एनडीए के सहयोगी अजीत पवार की पार्टी ने खुली चेतावनी दे दी है। आखिर क्या है वजह, जानेंगे रिपोर्ट में। महायुति में टूट तय हो गई है। गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के साथ बैठने को ही तैयार नहीं दिख रहे हैं। शिंदे गुट के नेता और सरकार में मंत्री तानाजी सावंत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कैबिनेट बैठक में एनसीपी मंत्रियों के साथ बैठने में वो सहज नहीं है। एनसीपी मंत्रियों के साथ बैठने पर उनका मन बेचैन हो जाता है, लगता है कि उल्टी हो जाएगी। मेरे जीवन में कभी भी मेरी एनसीपी के साथ नहीं बनी, मैं एक पक्का शिव सैनिक हूँ। उनकी टिप्पणी से सियासी हलचल मच गई है। एनसीपी के नेताओं ने सावंत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। तानाजी सावंत के बयान पर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने मांग की है कि शिवसेना नेता तानाजी सावंत को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। उमेश पाटिल ने कहा, या तो वो रहेंगे या एनसीपी, अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो हमें महायुति सरकार से बाहर आना पड़ेगा। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं से मंत्रिमंडल छोड़ने का अनुरोध करता हूं। एनसीपी अजीत गुट के एमएलसी अमोल मिटकरी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को अपनी बीमारी का कारण समझना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महायुति में होने के नाते अगर उन्हें उल्टी हो रही है तो केवल एकनाथ शिंदे ही हमें बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है। इसे लेकर एनसीपी ने सीएम शिंदे से जवाब मांगा है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सावंत ने विवाद खड़ा किया हो, इससे पहले भी वो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अजीत पवार समझ चुके हैं कि एनडीए में उनका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो राहें अलग करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे परेशान तो चंपई सोरेन भी हो गए हैं, बीजेपी में शामिल तो हो गए लेकिन आगे की राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। आखिर क्यों परेशान है चंपई, देखेंगे रिपोर्ट। रांची में जेएमएम के बागी विधायक और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। बीते कुछ दिनों से उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। भले ही इस मौके पर चंपई सोरेन के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन राजनीतिक गहमा गहमी को देखते हुए ये समझ आ रहा था कि चंपई को यह एहसास हो चुका है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वही जेएमएम ने ना तो पहले चंपई को लेकर कोई बयान दिया और ना अब उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर कोई बयान दिया है, जिससे साफ है कि चंपई के जेएमएम में रहने या नहीं रहने से हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। वहीं इससे उलट उन्होंने चंपई की खाली जगह को फौरन भर दिया है। जेएमएम ने रामदास सोरेन को शपथ दिलाकर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने राज्य में सभी लोगों का 200 यूनिट बिजली माफ करने का भी ऐलान कर दिया है। इससे साफ है कि हेमंत सोरेन चंपई के बीजेपी में जाने से बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चंपई को बीजेपी में वो मिल पाएगा जिसकी तलाश में वो वहां गए हैं। जेएमएम में रहते हुए वो सीएम पद तक पहुंचे, क्या बीजेपी उन्हें सीएम बनाएगी? चंपई सोरेन की परेशानी बीजेपी में आकर कम होने की जगह अब बढ़ने वाली है। वैसे बीजेपी की परेशानी उसके सहयोगी भी बढ़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यूपी में एनडीए में शामिल निषाद पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिख रही है।
उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और तमाम दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद का कहना है कि उनकी पार्टी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर नहीं बल्कि अपनी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ संजय निषाद ने कहा कि जब उनके बेटे प्रवीण निषाद लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर सीट से बीजेपी से उम्मीदवार थे, तब वे चुनाव हार गए थे क्योंकि वे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, इसीलिए वो चुनाव हार गए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिन 43 सीटों पर, जिन मुद्दों पर हम चुनाव हारे हैं, ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसीलिए होने वाले उपचुनाव में निषाद पार्टी 2 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 578 जातियों ने बीजेपी के सिंबल को वोट नहीं किया था, निषादों की संख्या अब बढ़ रही है, इसीलिए बीजेपी को भी इस बारे में सोचना चाहिए, कहीं ये खामियाजा ना भुगतना पड़े। बता दें कि संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में कटहरी, अंबेडकर नगर जिला और मझवा, मिर्जापुर जिला सीट पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और आने वाले उपचुनाव में भी निषाद पार्टी इन दोनों ही सीटों पर अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात पंजाब की। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। बादल को तख्त ने धार्मिक कदाचार का आरोपी मानते हुए तनखैया घोषित कर दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे हैं। बादल को अकाल तख्त ने तनखैया यानी धार्मिक कदाचार का दोषी मान लिया है। बता दें कि साल 2007 से लेकर 2017 के बीच शिरोमणि अकाली दल और सरकार में हुई गलतियों के चलते अकाल तख्त ने ये फैसला लिया है। स्वर्ण मंदिर के जत्थेदार ज्ञानी रघुबर सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष रहते हुए सुखबीर बादल ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने पंथ की छवि को गहरी चोट पहुंचाई है और शिरोमणि अकाली दल को काफी कमजोर किया है, इससे सिखों के हित को भी चोट पहुंची है। रघुबर सिंह ने आगे कहा कि जब तक सुखबीर बादल एक विनम्र सिख की तरह तख्त साहिब के सामने पेश नहीं होते और गुरु ग्रंथ साहिब, सिख संगत और पंज सिंह साहिबान की मौजूदगी में माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें तनखैया घोषित किया जाता है। इस पर सुखबीर बादल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट किया है। सुखबीर ने लिखा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मीरी पीरी के शीर्ष स्थान श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से जारी आदेश को दास सिर झुकाकर स्वीकार करता है। आदेश के हिसाब से मैं जल्द ही श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हो जाऊंगा और माफी भी मांगूंगा। बता दें कि तनखैया उसे कहा जाता है जो सिख धर्म से बाहर कर दिया गया हो। आम बोलचाल की भाषा में इसका मतलब होता है हुक्का पानी बंद कर देना। जिसे तनखैया घोषित किया जाता है उसे सिख पंथ मानने वाले कोई संपर्क नहीं रखते, उसका पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया जाता है। बादल के खिलाफ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज ईश निंदा केस वापस लेने, बरगारी में बेअदबी के दोषियों को और कोटकपुरा और बेहबाल कला मामले में पुलिस कर्मियों को सजा देने में असफल रहने, विवादित आईपीएस अधिकारी सुमेध सिंह सैनी के पंजाब का डीजीपी बनाने समेत कई आरोप लगे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।